निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो चार पॉइंट दिए हैं तो आपको पता लगाना है कि ये कौन से प्रकार का चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं आपको आना चाहिए। एक होता है वर्ग, जिसमें चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। एक होता है आपका आयत, जिसके अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर और दोनों डायगोनल विकर्ण बराबर होते हैं। फिर एक होता है समांतर चतुर्भुज, जिसमें आमने सामने भुजाएं बस इक्वल होंगी, लेकिन जो डायगोनल हैं वो इक्वल नहीं होंगे। ऐसी अगर आपका रोम्बस होगा तो इसके अंदर चारों साइड इक्वल होंगी लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो आपका ये चार हुआ, एक वर्ग, एक आयत, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, यानी एक आपका स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस और एक ट्रेपीजियम होता है। तो इसके अंदर ट्रेपीजियम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। या काइट जो होता है उसके अंदर किनारे के दो साइड इक्वल होते हैं, वो भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसी में से आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हम मान लेंगे, माना ए बी सी डी ये चार वर्टेक्स हैं एक चतुर्भुज के, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के। और इसके अलावा तो फिर हम क्या करेंगे कि हम चारों साइड निकालेंगे। पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है फॉर्मूला, डिस्टेंस लगा रहे हैं, तो बी में से ए माइनस करेंगे। तो एक घटा एक, तो घटा घटा जमा एक हो जाएगा। ऐसे ही जीरो घटा घटा दो, तो जीरो घटा घटा प्लस दो का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक और एक दो का स्क्वायर, और ये जीरो जोड़ेंगे तो दो का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा आपका चार, और ये हो जाएगा चार, तो यानी आठ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट निकालेंगे बी सी। तो बी सी में सी में से बी घटाएंगे, तो घटा एक का होल स्क्वायर, घटा एक का होल स्क्वायर प्लस दो, दो घटा जीरो का होल स्क्वायर, तो दो घटा जीरो का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करते हो तो माइनस दो का स्क्वायर, और ये जाएगा आपका दो का स्क्वायर, तो माइनस दो का स्क्वायर चार, और ये चार, तो आपको जाएगा रूट आठ। तो आप यूनिट लिख दें, ठीक है, इकाई लिख दें, मात्रक लिख दें, ठीक है। ऐसे ही अगर आप अब निकालोगे तो अब आपका निकलेगा सी डी। तो सी डी निकालोगे तो डी माइनस सी, तो यानी घटा तीन घटा एक, तो घटा तीन घटा घटा प्लस एक का हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे जीरो माइनस दो का होल स्क्वायर, तो आप इसको सोल्व कर दोगे तो घटा दो का स्क्वायर, और ये हो जाएगा घटा दो का स्क्वायर, तो यानी दो का स्क्वायर चार, चार, तो ये भी आपका रूट आठ यूनिट आ रहा है। ऐसे अगर आप अब ए डी निकालते हो तो डी में से ए माइनस कर दोगे, तो डी कितना है घटा तीन, तो घटा तीन घटा घटा जमा एक का होल स्क्वायर, और ऐसे वो जीरो घटा दो का होल स्क्वायर, ठीक है ना, जीरो घटा घटा प्लस दो का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा घटा दो का स्क्वायर, और ये जाएगा दो का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, ये भी रूट आठ। तो हम देख रहे हैं कि चारों साइड इक्वल आ रही हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल की, तो यहाँ लिख देंगे डायगोनल यानी विकर्ण। अब हम निकालेंगे डायगोनल, एक तो ये वाला ए सी और एक बी डी, ठीक है। तो ए सी, तो पहले ए सी निकालने के लिए सी माइनस ए, सी कितना है घटा एक और घटा एक, तो घटा एक घटा घटा जमा एक का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दो घटा घटा जमा दो का होल स्क्वायर, तो एक में से एक कट गया, ये जीरो का स्क्वायर, और दो चार का स्क्वायर, तो आपका चार का स्क्वायर सोलह का चार आ जाएगा, तो चार यूनिट। ऐसे अगर हम अभी नेक्स्ट करेंगे तो एक डायगोनल और निकालना रह रहा है बी डी, तो डी माइनस बी, तो डी कितना है घटा तीन घटा एक का होल स्क्वायर, तो घटा तीन घटा एक का होल स्क्वायर, और प्लस, फिर ऐसे ये जीरो घटा जीरो का होल स्क्वायर, तो जीरो घटा जीरो का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे घटा चार का स्क्वायर हो गया और ये जीरो का स्क्वायर हो गया, तो घटा चार सोलह हो जाएगा, तो यहाँ पे चार। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों साइड इक्वल आ रहे हैं और दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हैं, तो लिख देंगे ना कि यहाँ चारों भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण भी बराबर हैं, तो अतः ए बी सी डी एक
वर्ग है, ठीक है, वर्ग माने स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ही ऐसा होता है, ठीक है। अगर विकर्ण बराबर नहीं आते तो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर विकर्ण बराबर नहीं आते और आमने सामने की भुजाएं बराबर आती तो ये हो जाता है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। और अगर डायगोनल बराबर और आमने सामने की भुजाएं इक्वल आती, चारों इक्वल नहीं आती, तो आपका रेक्टेंगल आयत हो जाता है ये। अगला है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु लिया जाए उसमें वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक्स एक्स पर कोई पॉइंट लेंगे, मान लें पी, तो आप उसके कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स और 0, क्योंकि एक्स एक्स पे वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। और इसने लिखा है कि ये समदूरस्थ है, सम माने बराबर, दूर स्थित है, तो समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2-5 एंड -2-9। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो माना कि एक पॉइंट ए है 2-5 और एक पॉइंट बी है जो कि 2-9 है, जो बिंदु पी से समदूरस्थ है यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये जो एक्स एक्स है, एक्स एक्सिस, तो इस पे कहीं वो पॉइंट है, तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट है, ठीक है, पी, और इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई के कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 मानेंगे, ठीक है। देखो हर जगह आपका पॉइंट वाई के कोऑर्डिनेट 0 ही होते हैं एक्स एक्सिस पे, तो इसीलिए ना अब ये कह रहा है कि ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यानी तो आपको फाइंड करना है पी यानी x0। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको दिया इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपको ए पी इक्वल टू बी पी लगाना होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ए पी होगा उतना ही बी पी होगा। तो ए पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अंडर रूट, और बी पी का भी अंडर रूट। तो x2-x1 का होल स्क्वायर, फिर y2-y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही x2-x1 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट होता है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर लेके इस रूट को हटा देंगे या फिर इसे काट भी सकते हैं। तो आपका बचेगा x2-x1 का होल स्क्वायर, तो ए पी मतलब पी में से एक हटाना है, तो x-2 का होल स्क्वायर, फिर 0-5, तो 0-5 मतलब 0-5 का होल स्क्वायर। ऐसे ये वाला बी पी, पी माइनस बी, तो पी का मान एक्स, एक्स माइनस -2, तो -2 हो जाएगा, फिर आपका 0-9 का होल स्क्वायर। तो अब आपका जो बचेगा, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए की जगह एक्स का स्क्वायर, 2ab, तो 2 × x × 2, तो 2 × 4, तो 4x हो जाएगा, ऐसे 2 का स्क्वायर 2 × 4, और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ऐसे ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 4, ठीक है, और प्लस 9 × 81, तो ये आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और 4 से ये 4 कट गया, तो -4x + 25 = 4x + 81। ये माइनस का 4x है, इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा इसके साथ, और ये जो प्लस का 81 है वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यह माइनस हो जाएगा, 81 में से आप 25 माइनस करें तो आपका -56 आएगा, इक्वल टू ये 8x हो जाएगा, 8 × 4 = 8, तो 8 डिवाइड में जाएगा, तो -56/8, तो 8 × 7 = 56 होता है, तो एक्स वैल्यू -7। तो आपका पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो आपने माना था x0, तो ये आपका हो जाएगा पी के कोऑर्डिनेट -7 और 0। तो ये वो आंसर है जो पॉइंट जो है ए और बी से समदूरस्थ है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू वाई जो कि पॉइंट पी और क्यू से डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में 10 यूनिट है।
y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 घटा 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हमें y का मान निकालना है। ये वो पॉइंट P था 2 घटा 3 और ये वो पॉइंट है 10, y और इनके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक। तो हम यहाँ पे पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट, तो आपने पढ़ा है y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, पहले x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्यू में से पी माइनस करना है, तो यानी 10 में से 2 घटाना है, तो 10 घटा 2 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा आपका y घटा घटा जमा 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10 में से 2 गया तो 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y+3 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस आपको कितना दिया है 10। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 8 × 64 + यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा a² + 2ab + b², तो a की जगह हो जाएगा आपका y² फिर 2 × a × b + b² 100 बराबर 8 × 64 हो गया था ये, y² 3 × 2 = 6y और ये 3 × 3 = 9, तो 64 में 9 जोड़ दो तो 73 हो जाएगा प्लस y², ठीक है, y² + 64। तो पहले आप y² लिखें फिर 64 लिखें, ये प्लस का तो इधर आके माइनस कर दें, 73 में से बराबर इधर 0 बचेगा, वो आगे ना लिखे पीछे लिख दें। ठीक है, तो y² + 6y ये घट जाएगा, तो -27 = 0, इसका आप फैक्टर कर देंगे, तो इसका फैक्टर कर देंगे y² + 6y - 27 = 0 का। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -27y² 27 का कहीं पे हम एलसीएम लेंगे ताकि हमारा टुकड़े करने पे 6 आ जाए, तो हमें पता है कि 9 × 3 = 27 होता है, तो अगर हम 9 में से अगर हम 3 घटा दें तो देखो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे 9 × 3 - 27 आएगा और इन्हें 9 में से 3 घटा दें तो +6 आ जाएगा। ठीक है, तो -27 = 0 पीछे और आगे y². अब इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, तो y+9, इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे, तो y+9 = 0, तो एक बार y+9 हो जाएगा और एक बार y-3 = 0 हो जाएगा, तो एक बार y+9 = 0 और एक बार y-3 = 0, तो y = -9 और y = 3, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको y का मान निकालना था यही है। यदि Q 0, 1 बिंदु 5 P यानी 5, 3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करो, फिर दूरियां भी पूछी हैं, QR और PR भी ज्ञात करो। इफ Q 0, 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो प्रश्न था कि जो Q है 0, 1 ये बिंदु P से और R से समदूरस्थ था, यानी जितना डिस्टेंस पी क्यू का है उतना ही डिस्टेंस क्यू आर का है, और हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स लिखा है मैंने, और आपको फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालना है क्यू आर और पी आर। तो आप लिख दोगे पहले कि पी क्यू बराबर क्यू आर, तो आप ना इसमें लगाओगे अंडर रूट फार्मूला और इसमें भी अंडर रूट फार्मूला डिस्टेंस का, x² - x1 का होल स्क्वायर, फिर y² - y1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही x² - x1 का होल स्क्वायर प्लस y² - y1 का होल स्क्वायर। तो आपका x2 कितना हो जाएगा, पी क्यू, तो q - p, तो q यानी 0 घटा 5 का होल स्क्वायर, तो पहले आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हिंदी में लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आ जाएगा 0 घटा 5 का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1 घटा घटा जमा 3 का होल स्क्वायर, तो 1 में से जब माइनस करोगे -3, तो -+3 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ये क्यू आर लिखा है तो आर में से क्यू घटाओ, तो x घटा 0 का होल स्क्वायर, फिर जमा 6 में से 1 घट जाएगा, तो 6 घटा 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप इसे सोल्व कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 और ये x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25,
छः में से गया 5 का स्क्वायर 25, ये कट जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर आपका 16 बच जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा तो एक्स वैल्यू प्लस माइनस 4। तो अब दो दिक्कत आ गई, ये प्लस माइनस है, तो अब आपको क्या करना है, एक बार क्यू आर निकालना है, ठीक है, तो एक बार क्यू आर और एक बार पी आर। तो पहले क्यू आर निकालोगे तो एक्स की वैल्यू 4 लेके करोगे, तो क्यू आ गया मान लो, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या था, तो क्यू का कोऑर्डिनेट था 0 1, और आर के कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स और 6। तो दो बार करना पड़ेगा, एक बार प्लस का 4 6, एक बार माइनस का 4 6। तो अभी हम करते हैं क्यू आर, तो क्यू आर का मतलब आर में से क्यू घटाना है, आर यानी अभी प्लस का 4 ले लो, तो 4 घटा 1 का होल स्क्वायर मतलब 4 घटा 0 का होल स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, फिर 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 √41, ठीक है, मात्रक आ गया। ऐसे ही फिर हम क्यू आर निकालेंगे दोबारा, तो एक बार -4 लेके करेंगे, तो -4 -0 का होल स्क्वायर, फिर एक बार ऐसे ही 6 घटा 1 का होल स्क्वायर, तो दोबारा आपका वही आ जाएगा 4 चौक 16 और ये 25 यानी √41 मात्रक आ जाएगा। फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे पी आर, तो पी आर निकाल लोगे तो एक बार प्लस का 4 लोगे तो 4 घटा 5, तो 4 घटा 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6, 6 में से 3 घटाओगे तो 6 माने -+3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये जाएगा 6 में से 4 में से मतलब 4 में से 5 गया तो यानी √1 का होल स्क्वायर, और वो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो √1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, तो यानी √82 आ जाएगा, ठीक है, मात्रक। ऐसे दोबारा तुम पी आर निकाल लोगे तो जो -4 ले लोगे, तो -4 लोगे तो -4 -5 का होल स्क्वायर, फिर एक बार ऐसे लोगे 6 + 3 का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा √9 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो यानी 9 81 और जमा 81, तो आपका हो जाएगा √162 मात्रक, ठीक है, यानी यूनिट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं 10th क्वेश्चन, एक्स और वाई के बीच में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ हो, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 and -3 and 4। रिलेशन का मतलब है आपको एक्स और वाई में एक इक्वेशन सेटअप करनी है कि जो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो कि इस पॉइंट से इन दोनों का इक्वल डिस्टेंस हो। तो लेट कर लेंगे, ये मैंने लेट लिखा है LET, लेट लेट पी यानी एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो माना पी जो है बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, तो हम समदूरस्थ है तो पी को बीच में लिख लेते हैं समझने के लिए, और ए को किनारे लिख लेते हैं, और बी को इसी से समान दूरी पे यहाँ पे मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि बताना है रिलेशन, तो आपको फाइंड करना है रिलेशन, ठीक है, तो रिलेशन का मतलब होता है आपको संबंध निकालना है, ठीक है। तो आप लिख दोगे पी ए इक्वल टू पी बी, यानी जितना पी बी पी ए उतना ही पी बी है, तो आप इसमें अंडर रूट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो अंडर रूट क्या जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पी ए कह रहा है कि ए में से पी घटाओ, तो ए कितना है 3, तो 3 घटा x का होल स्क्वायर, फिर ये 6 में से y घटाओ तो 6 - y का होल स्क्वायर। ऐसे ये वाला पी बी कह रहा है कि बी में से ए घटाओ, तो बी में से पी घटाओ, तो बी कितना है -3 - x का होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है 4, तो 4 - y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b² ये माइनस है याद रहे, फिर ऐसे a + b का होल स्क्वायर भी लगेगा, तो फॉर्मूला बनेगा a² + 2ab + b².
तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला खोलेंगे, तो ए स्क्वायर यानी 3 3 9, फिर 3 2 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे 6 6 36, फिर 6 2 12y और प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है बच्चों को, क्योंकि ये -3 है और ये -x है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, माइनस का एक कॉमन ले लेंगे होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 3 प्लस x का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर 3 3 9, 3 2 6x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 4 चौक 16 घटा 4 2 8y प्लस में वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा -6x प्लस 36 माइनस का 12y, ऐसे यहाँ बच जाएगा आपका 6x प्लस 16 माइनस का 8y। तो ये जो आपका जो माइनस का 6x है उधर जाकर इस 6x में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये जो प्लस का माइनस का 12 है उधर जाकर -8y में ऐड हो जाएगा। ऐसे ये जो आपका प्लस का 36 है इधर आकर 16 में से माइनस हो जाएगा और बराबर 0, ये 0 हम पीछे लिख देंगे। तो 6 6 12x और 12 में से 8 गया तो प्लस का 4y और वो घट जाएगा, तो -20, 16 में 36 गया, -20=0। सब में से 4 कॉमन ले लोगे तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 5 20=0। तो आपका आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5=0। ये 4 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5=0। ये वो आपका रिलेशन है, संबंध है, जो कि इक्वेशन के फॉर्म में है, जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रहा है कि जो पॉइंट पी है वो इक्वल डिस्टेंस है ए और बी से, तो ये रिलेशन तैयार होता है। तो आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।